Finally, after much wait, actor Anil Kapoor's son Harshvardhan Kapoor and Tanvi Azmi's niece Saiyami Kher debut movie Mirzya has been released today. While the film fraternity people have welcomed the newcomers and praised for their acting skills, let's check out from the Mumbai audience what they have to say about the film. Screenplay सबसे ज़्यादा इसका music और कहानी अच्छी है, performance दोनों की अच्छी है, actors की. और अगर acting wise अगर बात करी है तो किसकी acting आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगी है Saiyami Kher और Harshvardhan की जैसे कि वो एक नए वो था good actually अपने अपनी जगह दोनों ने अच्छा काम किया but Saiyami ने ज़्यादा impress किया. सर फिल्म थोड़ी स्लो लगी और बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल है, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ी स्लो लगी फिल्म. जितना एक्सपेक्टेशन था उतना मिला आपको फिल्म से, क्या कहना चाहेंगे? उनको देख के अच्छा लगा जिनको देखने आए थे. एंड सॉन्ग्स के बारे में बात की जाए, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक कमाल है. इट्स अ वेरी नाइस फिल्म, इट्स वेरी गुड, इट्स जस्ट अ लिटिल लॉन्ग बट म्यूजिक बहुत अच्छा है फिल्म का. फिल्म का म्यूजिक अच्छा है, एक्टर्स थोड़े से वीक है बट द फिल्म इज रियली नाइस. एंड मतलब जिसके पास पेशेंस है उनको ये फिल्म देखनी चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म की अगर बात की जाए तो लोगों को क्यों देखनी चाहिए? म्यूजिक इसका इतना तगड़ा है, इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड म्यूजिक है और इसका पूरा जो गुलजार साहब ने इतना ब्यूटीफुली लिखा है, लिरिक्स इसके इतने अच्छे हैं और पूरा स्क्रीन पे इतना अच्छा लिखा गया है. फॉर गुलजार साहब एंड फॉर राकेश ओम प्रकाश जी यू हैव टू वॉच दिस फिल्म. बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिन निकला ये तो मेरा, रियली अ टॉर्चर मूवी. टॉर्चर कितने स्टार देने चाहेंगे फिल्म को? नो स्टार, टू स्टार. कुछ सारे एक ही स्टोरी को दो बार रिपीट कर दिया, पीछे लेके आगे लेके कोई मतलब नहीं रहा. So the film is getting mixed response as some people love Harshvardhan and Saiyami's on-screen chemistry while some didn't. Now let's check out how many stars they have to give in to the film. मैं तो 3 स्टार दूंगा. 3. I would give it 3.515. Directed by Rakesh Om Prakash Mehra, Mirzya is an epic love story of Mirzya Sahiban. INS report.